संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लालजी द्वारा रचित, या ये भी कह सकते हैं रीति सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित, बिहारी सतसई से अवतरित है। झीने पट में झुलमुली झलकति ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसति सपल्लव डार। झीने अर्थात एक नायिका ने एक साड़ी पहन रखी है और घूंघट डाल रखा है, तो वो साड़ी कैसी है? बारीक है, ठीक, जालीदार है, मतलब बाहर से पारदर्शी है, दिखाई देता है। झीने अर्थात झीने वस्त्र में, पट माने वस्त्र, झीने वस्त्र में, झीने पट में, झुलमुली माने झिलमिलाती हुई, झलकति माने झलक रही है, ओप माने कांति, अपार माने अपरिमित, अपार माने असंख्य, अपरिमित या असीमित। नायक कह रहा है उस नायिका से कि तेरे झीने वस्त्र में तुम्हारे मुख की झिलमिलाती हुई कांति, अपरिमित झिलमिला रही है, अपरिमित सुशोभित हो रही है। सुरतरु की मनुसिंधु में, वो ऐसा लग रहा है, मतलब तुम्हारे झीने वस्त्र के पीछे जो तुम्हारे मुख की सुंदरता है, तो ऐसी लग रही है जैसे सुरतरु की मनुसिंधु में, मानो सुरतरु माने देववृक्ष या कल्पवृक्ष कहते हैं जिसको, या देवदारु वृक्ष, मानो सुरतरु माने देव वृक्ष या कल्प वृक्ष, मानो कल्प वृक्ष की सपल्लव डार, पत्तों युक्त डाल। सपल्लव डार का मतलब है पत्तों से युक्त या पल्लव से युक्त डार। लसति माने सुशोभित हो रही है, सिंधु माने समुद्र में, मानो समुद्र में कल्प वृक्ष के पत्तों से युक्त डार सुशोभित हो रही है, ऐसा तुम्हारा मुख झीने वस्त्र के पीछे झिलमिलाता हुआ सुशोभित हो रहा है, जैसे समुद्र में कोई पत्तों युक्त कल्प वृक्ष की डाल हो। समझ में आया? पलकु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आज मिले सुभली करी भले बने हो लाल। बात यह है, एक नायिका है तो अपने वो नायक से कहती है, नायिका नायक से कहती है, और नायक के ऊपर वो शंकाग्रस्त है, नायक के ऊपर शंकाग्रस्त है कि वो दूसरे स्त्री के पास से आया है, तो कहती है, नायिका कहती है अपने पति से, पलक पीक, पलकों पर पीक, पीक माने पान को जैसे थूका जाता है तो लाल होता है, तो उसको पीक बोलते हैं, पीक मतलब लाल। पलकों पर तेरे लाली है। अंजन माने काजल, अधर माने होठों पर, और तेरे होठों पर काजल लगा हुआ है। धरे महावरु भाल, और माथे पर रंग लगा हुआ है। आज मिले सुभली करी, आज तुम मिल गए सुभली करी, तो बहुत अच्छा किया। सु माने तो, सु का अर्थ है तो, आज मिले, आज हमको तुम मिले हो, सु तो भली करी, बहुत अच्छा किया है, अब भले बने हो लाल। जरा शीशे में मुंह तो देखो, कितने बढ़िया बने हो, बहुत अच्छे बने हो तुम, भले बनो बने हो लाल, यानी आज तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। जरा शीशे में, दर्पण में अपना मुख तो देखो कि तेरे पलकों पर पीक लगी हुई है और काजल गालों पर लगा हुआ है, होठों पर लगा हुआ है। तो आज मुझे इस अवस्था में मिले हो तो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे बने हुए हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, ब्यूटीफुल। अब जाके शीशे में अपना मुख देख लो। नायिका किससे बता रही है? अपने हस्बैंड से।
तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। वो कहते हैं तो परवारों उर्वशी, उर्वशी यहाँ उर्वशी में यमक अलंकार है क्योंकि उर्वशी शब्द कई बार आया है परंतु उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। एक उर्वशी का अर्थ है उर्वशी अप्सरा, एक उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई, और एक उर्वशी का अर्थ है जो गले में लटकाई जाती है, जंजीर हुमेल उसको बोलते हैं, तो वो उर्वशी है क्योंकि वो हृदय पर रखी रहती है ना, जो माला पहनते हो वो भी उर्वशी कह दिया गया है। तो पर वारों उर्वशी, श्री कृष्ण कहते हैं राधिका से, सुन राधिके सुजान, अरे राधिके से तुर राधिके, तुझ पर मैं वारों माने न्यौछावर कर दूं, उर्वशी अप्सरा इंद्र के इंद्रासन में, इंद्र की जो सभा में रहने वाली, इंद्रलोक में रहने वाली उर्वशी अप्सरा है, तुझ पर मैं न्यौछावर कर दूं राधिके सुजान। सुन तू मोहन के उर्वशी, तू श्याम के हृदय में बस गई है, होए उर्वशी समान, जैसे एक हृदय पर लटकता हुआ माला हृदय में बस जाता है, ठीक उसी प्रकार तू उस हुमेल के समान, हुमेल मतलब हुमेल जो जंजीर पहनी जाती है उसको हुमेल बोलते हैं, तू हुमेल के समान मोहन के इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर दूं, हे चतुर राधा तू मोहन के हृदय में समा गई है बिल्कुल हुमेल की तरह। बहुत बढ़िया दोहा है, भक्ति का दोहा है। बिहारी लाल कहते हैं, जगतु जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आखिन सबु देखिए आखिन देखी जाए। जगत माने संसार, जगत माने संसार, जनायो माने जनाया, यानी जिसने संसार को तेरे, तुझे संसार का ज्ञान दिया। संसार को कौन जनाता है? भगवान। तो जगत जनायो जिह सकल, जिसने, जिह माने जिसने, सकल माने संपूर्ण, जिसने संपूर्ण संसार को का ज्ञान तुझको कराया, सो हरि जान्यो नाही, उस हरि उस भगवान को तू पहचान नहीं पाया, सो हरि जान्यो नाही, तू उस हरि को जान नहीं पाया, उस भगवान को परमेश्वर को पहचान नहीं पाया, ज्यों आखिन सब देखियो, जिस प्रकार आँखों से सब देखा जा सकता है परंतु आँख ही न देखी जाही, अपनी ही आँखों से अपनी आँखों को नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार जिस ईश्वर ने संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया है, हमें आँखों से सब कुछ दिखाई देता है लेकिन अपनी ही आँखों से आँखें नहीं दिखाई देती हैं। आँखों से आँखें कोई देख सकता भला? नहीं। तो जो ईश्वर है हमें संसार का ज्ञान कराता है बिल्कुल आँखों की तरह है, जैसे आँखों से हम सब कुछ देखते हैं आँख को नहीं देख पाते, वैसे उस ज्ञान से सब कुछ समझ जाते हैं लेकिन उस ईश्वर को नहीं समझ पाते। ये बिहारी का वक्तव्य है।